देखिए यहाँ से आपको एक स्थान दिखेगा, वो वही कुटिया है बाबा की। जय जय श्री राधे। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों, आज हम आपको लेके आए ढवाला गांव, जो कि बरसाना से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इस ढवाला गांव की क्या विशेषता है और यहाँ पे क्या राधा रानी ने लीला की थी, वो कौन सा दिव्य स्थान है, उसके दर्शन आज हम आपको करवाएंगे। आइए सबसे पहले आपको यहाँ के जो रहना सहना है उसके बारे में दिखाते हैं और यहाँ का जो स्थान है वो कितना सुंदर स्थान है उसको आप हम बताते हैं। ये देखिए, पहाड़ों के बीचों बीच में ये ढवारा गांव बसा हुआ है। और हम आपको बता दें, ये राधा रानी की एक प्रिय सखी थी तुंग विद्या सखी, उनका ये गांव है, उनके भी दर्शन हम आपको करवाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको इस गांव के बारे में बताते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरह से संतों की कुटिया बनी हुई है इस दिव्य स्थान पर। और यहाँ पे बहुत ही दिव्य संत रहते हैं। हम पहाड़ों पे चल रहे हैं, आपको चारों तरफ से हरियाली ही हरियाली नजर आएगी यहाँ पे। और ये गांव बसा हुआ है बीच पहाड़ों पे। यहाँ से देखिए आप पूरा कितना सुंदर लग रहा है, पूरा ब्रज मंडल। यहाँ पे जो संत हैं उनकी कुटिया को दिखाते हैं। और हम जा रहे हैं, एक्चुअल में हमको पता नहीं है कि कुटिया यहाँ से कितनी दूर है, लेकिन हम आपको जरूर दर्शन कराएंगे आज। आइए आपको उस कुटिया के दर्शन करा। ये देखिए यहाँ से आपको एक स्थान दिखेगा, वो वही कुटिया है बाबा की। अब तो आप देख रहे हैं कितनी ऊंचाई पर ये कुटिया बनी हुई है। संत महात्मा जी अभी यहाँ है नहीं, लेकिन हम उनके दर्शन भी आपको जरूर कराएंगे। इतने दिव्य संत जो यहाँ रहते हैं। कितना सुंदर स्थान है ये, बहुत ही सुंदर। और ये देखिए पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी जो है उस पर ये स्थान बना हुआ है और ऐसे दिव्य संत के दर्शन आज हमें हुए हैं। और यहाँ से आप देखिए कितना सुंदर है हमारा ब्रज और कितने सुंदर है हमारे ब्रज के गांव। और आज हम इस ढवाला गांव में आए हैं, बहुत ही सुंदर जो मंदिर है उसके भी दर्शन आपको करवाएंगे। और यहां से आप देखिए कितना सुंदर है ये कुंड। उसी के बगल में यहां पे राधा रानी की एक प्रिय सखी थी तुंग विद्या सखी, जो संगीत में बहुत निपुण थी, उनके दर्शन आज हम आपको करवाएंगे इस ढवाला गांव से। तो दोस्तों आइए अब आपको तुंग विद्या सखी के दर्शन कराते हैं इस ढवाला गांव से। आप देख रहे होंगे कि हमारे एक ब्रज के गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं जिनमें लोग नहीं आते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन इन जगहों पर अवश्य आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इन कुंज निकुंजों में, इन स्थानों में राधा रानी का वास आज भी होता है। यही कुछ क्या कम है।
तो भक्तों, आप धवाला गांव से आज दर्शन कर रहे हैं तुंग विद्या सखी मंदिर से।